वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से कम प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट फूड की कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहले नंबर पर प्रोडक्ट आता है वो व्हीट ग्रास कहलाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हीट ग्रास हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। दोस्तों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, इन सबकी रिचनेस अपने साथ में जो कैरी करता है वो व्हीट ग्रास है। दोस्तों, प्रोटीन के बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन हम कितना लेते हैं, इससे हमारी बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, जिस सोर्स से हम ले रहे हैं, वो प्रोटीन कितनी जल्दी बॉडी में एसिमिलेट हो रहा है और प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड्स में हमारी बॉडी के अंदर जाकर टूट रहा है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है ये हमें इफेक्ट करता है। व्हीट ग्रास की खास बात ये है कि ये बॉडी के अंदर 20 मिनट के अंदर अंदर जाकर एसिमिलेट हो जाता है और बॉडी में अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है। बॉडी में जाने के बाद में ये इसका प्रोटीन 17 अमाइनो एसिड्स में टूटता है, इसीलिए इसके प्रोटीन को हाई क्वालिटी प्रोटीन भी कहा जाता है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा विटामिन और मिनरल हो जो व्हीट ग्रास अपने साथ कैरी नहीं कर रहा। इस धरती के अंदर कुल मिलाकर 115 टोटल मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 98 मिनरल्स अकेला व्हीट ग्रास अपने साथ कैरी कर रहा है। विटामिन ए, बी, सी, आई, ई, के इसके अंदर अबंडेंस में पाए जाते हैं, इसीलिए जो लोग व्हीट ग्रास लेते हैं उनके अंदर कभी आपको विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। व्हीट ग्रास के एक चम्मच के अंदर 7.3 mg आयरन होता है। अगर बेसलाइन हम चेक करें कितना आयरन हमें हमारी बॉडी को हर रोज चाहिए, तो 7 mg से 15 mg तक के आयरन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इसका एक चम्मच आयरन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पार करने में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो व्हीट ग्रास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम करती है वो है इसका क्लोरोफिल कंटेंट। 70% व्हीट ग्रास के अंदर केवल क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को प्लांट का ब्लड भी बताया जाता है। जैसे ही व्हीट ग्रास हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्लड फॉर्मेशन करता है। बहुत कम ऐसा चांस हो सकता है कि जो व्हीट ग्रास कोई इंसान ले रहा हो और उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन कम मिल जाए। ये डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर बढ़ाने में मदद करता है और इसीलिए RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की हेल्थ और उनकी फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। व्हीट ग्रास अपने साथ में, क्योंकि क्लोरोफिल ऑक्सीजन रिच होता है, इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ती है और ऑक्सीजन का इंटेक जो है वो भी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता है अगर व्हीट ग्रास को रोज लिया जाए। शायद ही हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन है जो व्हीट ग्रास को लेने के बाद में रिजुवनेट ना हो सकता हो, उसके सेल्स जो है रिपेयर ना हो सकते हो, क्योंकि ये सेल्स की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा कर सकता है। इसीलिए कैंसर के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे पहले डॉक्टर व्हीट ग्रास को ही रिकमेंड करते हैं। कैंसर के दौरान आप जानते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको अलग अलग रेडिएशंस के लिए एक्सपोज किया जा सकता है। बहुत हार्श उसकी मेडिसिंस होती है जो बॉडी के ऊपर बहुत सारी साइड इफेक्ट शो करती है। व्हीट ग्रास को इसीलिए कैंसर में दिया जाता है क्योंकि रेडिएशन से होने वाले डैमेज को ये अकेला सहन कर सकता है और जितनी हार्श मेडिसिन से जो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट होने वाले हैं, ये बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में मदद करता है, उसकी एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि आपके घर में स्पेशली टीनेजर्स जो हैं, 12 साल से 20 या 25 साल के जो बच्चे हैं जिनको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, पूरी उनको ताकत चाहिए, उनके लिए व्हीट ग्रास जो है बहुत आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिवर सिरोसिस के अगर कोई पेशेंट थे जिनके अंदर स्टडीज की गई, तो इसने लिवर को रिपेयर करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल इसका देखा गया। किडनी की डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है तो ये उन्हें वापस लाने में कामयाब सिद्ध हुआ है। इसी तरीके से इंटेस्टाइन जो है हमारी यूट्रस की अगर कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। व्हीट ग्रास में स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। अगर 5 मिनट इसका जूस जो है आप अपने मुंह में रख लेंगे तो आपको टूथ डिके या गम्स के अंदर पायरिया की अगर कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अपनाता है। व्हीट ग्रास जूस से अगर आप गागल कर लेंगे तो आपके थ्रोट के अगर कोई इन्फेक्शंस हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि वन मैन आर्मी के तरीके से जो व्हीट ग्रास अपने साथ में इतनी सारी एनर्जी, इतने सारे बेनिफिट्स लेकर आगे चलता है, तो व्हीट ग्रास को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। सुबह फ्रेश होने के बाद में एक ग्लास व्हीट ग्रास जूस जरूर पिए। अगर व्हीट ग्रास आपको फ्रेश मिलता है और उसका जूस आप फ्रेश लेते हैं वो भी अच्छा है, नहीं तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर व्हीट ग्रास पाउडर आता है, उससे आप अपने घर में जूस बना सकते हैं और उसका इंटेक आप कर सकते हैं। व्हीट ग्रास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हजारों रोगों से अपने शरीर को बचाएं। आप अपने जीवन में जैविक पदार्थ अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।